एक्सरसाइज इंटरवेंशन ऑफ शोल्डर गिर्डल, ठीक है। शोल्डर गिर्डल की क्या क्या एक्सरसाइजेस करवाते हैं तो वो डिफरेंट एक्सरसाइजेस मैं आपको बताऊंगी। वेंड एक्सरसाइज की मैंने बात की थी कि वेंड एक्सरसाइजेस पेशेंट को करवाते हैं, मैंने कहा था थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ। तो वेंड एक्सरसाइजेस जो होती है ये वाली होती है, दिस इज वेंड एक्सरसाइज, ठीक है। फिगर ए आप देख रहे हो, फिगर बी देख रहे हो। फिगर ए में क्या है आपकी जो है वो वेंड एक्सरसाइज या पेशेंट केन के साथ एक्सरसाइज कर रहा है जिसमें आर्म बाय साइड है, आर्म एट साइड है। फिगर बी में आप देख रहे हो कि पेशेंट जो है वो उसकी आर्म जो है वो स्केपुलर प्लेन में, नीचे से जो है वो टॉवल देख के उसकी जो है वो उसको डिस्टल ह्यूमरस को वो जो है एलिवेट करके रखा गया है, ठीक है, स्केपुलर पोजिशन में। और ए में जो है आर्म बाय साइड है, पेशेंट के हाथ में केन पकड़वाते हैं इस तरह से, ठीक है। और एक किस्म के पेशेंट असिस्टेड एक्सरसाइज कर रहा होता है, तो ये कहलाती है केन एक्सरसाइजेस या वेंड एक्सरसाइजेस कहलाती है। तो ये करवाते हैं पेशेंट को, ये किस्म की असिस्टेड सेल्फ असिस्टेड एक्सरसाइजेस हो गई। एक हाथ से पेशेंट जो है वो उसको जैसे के एक मिनट, ठीक है, ये समझो कि नॉर्मल हैंड है, ये इन्वॉल्व साइड है या अफेक्टेड साइड है। तो इस हाथ से पेशेंट जो है इसको इस तरफ खींच रहा है तो उस पर जो है वो इंटरनल रोटेशन हो रही है, ठीक है। जब वो उसको उस तरफ खींच रहा है तो उस पर वापस वो जो है एक्सटर्नल रोटेशन हो रही है। ये स्केपुलर पोजिशन में सेम चीज हो रही है। पेशेंट अपने दूसरे हाथ की असिस्टेंस के साथ जो है वो अफेक्टेड शोल्डर की एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं, ये कहलाती है वेंड एक्सरसाइज, ठीक है। उसके अलावा जो पेशेंट पे हम एक्सरसाइज करवा सकते हैं, बॉल रोलिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं। बॉल रोलिंग एक्सरसाइज या टेबल टॉप डस्टिंग एक्सरसाइज कहलाती है ये। इसमें क्या होता है कि टेबल पे बॉल रख के पेशेंट को कहते हैं कि उसको रोल करके अपनी रीच से दूर लेके जाएं। पेशेंट को कहते हैं टेबल पे बॉल रख के उसको रोल करके अपनी रीच से दूर लेके जाए, फिर पास लेके आए, ठीक है। तो ये वाली एक्सरसाइज करवाते हैं। या फिर जो है वो टेबल टॉप डस्टिंग एक्सरसाइज कहलाती है। टेबल टॉप डस्टिंग एक्सरसाइज में क्या करते हैं कि टेबल की जो है वो टॉप है उसको पेशेंट को कहते हैं कि बिल्कुल वो जो है वो इस पोजीशन में उसको, जैसे हम डस्टिंग कर रहे होते हैं टेबल की, इस पोजीशन में आपको शोल्डर की मूवमेंट करनी है, ये वाली एक्सरसाइजेस करवाते हैं। वॉल विंडो वॉशिंग एक्सरसाइजेस कहलाती है। उसमें जो है वो फ्लेक्शन में लेके जाके जो है आप इंटरनली और एक्सटर्नली रोटेट कर रहे होते हैं, ये करवाते हैं। डिफरेंट एक्सरसाइजेस बता रही थी क्या क्या हम जो है पेशेंट के शोल्डर के लिए यूज करते हैं कमल। उसके अलावा पेंडोलियम एक्सरसाइजेस होती हैं। पेंडोलियम एक्सरसाइजेस का तो आपको मैंने बताया था, एक बार दोबारा दिखा देती हूँ। ये कहलाती है पेंडोलियम या कॉडमैन एक्सरसाइजेस, ये वाली करवाते हैं, ठीक है। पेशेंट जो होता है वो लीन करता है फॉरवर्ड, ठीक है, और टू एंड फ्रो मोशन भी करता है, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड, और जो है वो एबडक्शन और एडक्शन पोजीशन में भी करवाती है, या फिर रोटेशन भी करवा सकती है। पेंडुलम एक्सरसाइजेस कहलाती है, ठीक है। उसके अलावा गियर शिफ्ट एक्सरसाइजेस करवाते हैं। ये गियर शिफ्ट एक्सरसाइज इस तरह से होती हैं, पेशेंट के हाथ में केन पकड़वाते हैं, ठीक है। ये भी एक किस्म की सेल्फ असिस्टेड एक्सरसाइजेस है, ठीक है। इसमें जो है वो पेशेंट के हाथ में केन पकड़वाते हैं और जिस तरह से एरो दिखाया गया है तो केन को जो है वो रोटेट करते हुए वो आप जो है वो बिल्कुल एडक्शन पोजीशन में लेके आते हो। ये जो आप एरो देख रहे हो इसी पोजीशन में ये जो है वो केन को मूव करवाते हैं, रोटेट करते हुए जो है वो केन को वो इस तरह से एल्बो को मूव करते हुए आर्म एट साइड जैसे पोजीशन होती है वहां तक लेके आएगा, देन वापस जो है वो उसको एक्सटर्नल रोटेशन में लेके जाएगा। तो बेसिकली इस एक्सरसाइज में आपके रोटेटर्स पे काम हो रहा होता है, आपके इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेटर्स, ठीक है। तो ये पेशेंट करवा सकता है। गियर एक्सरसाइज के बाद जो है मैंने बात की कि स्ट्रेचिंग के, सेल्फ स्ट्रेचिंग पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं। अब डिपेंड करता है कि हमें कौन सी मूवमेंट रिक्वायर्ड है या कौन सी मूवमेंट लिमिटेड है, किस चीज को हमें इम्प्रूव करवाना है, फ्लेक्शन को इम्प्रूव करवाना है, एक्सटेंशन लिमिट है या एक्सटेंसर्स जो है वो टाइट है उसकी स्ट्रेचिंग करवानी है, उसकी रेंज को बढ़ाना है,
एक्सटर्नल रोटेटर्स को बढ़ाना है, इंटरनल रोटेटर्स को बढ़ाना है, तो कौन से मूवमेंट को बढ़ाना है उस हिसाब से हम पेशेंट को सेल्फ स्ट्रेचिंग मतलब उनको सिखा देते हैं, घर के लिए स्ट्रेचिंग सजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो सारी स्ट्रेचिंग्स मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में बता चुकी हूँ। एक तो ये होती है सेल्फ स्ट्रेचिंग टू इंक्रीज द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज से एक तो आपकी फ्लेक्शन इंक्रीज होती है, दूसरी आपकी हॉरिजॉन्टल एडक्शन इंक्रीज होती है। ठीक है, तो अगर पेशेंट में आपके पेशेंट में फ्लेक्शन लिमिटेड है, हॉरिजॉन्टल एडक्शन लिमिटेड है, तो आप ये वाली सेल्फ स्ट्रेचिंग उसको घर के लिए सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, दिस इज द स्ट्रेचिंग टू इंक्रीज द फ्लेक्शन एंड एलिवेशन। कोई भी ऐसा पेशेंट जिसमें फ्लेक्शन या एलिवेशन लिमिटेड है, उसमें ये वाला स्ट्रेच आप सजेस्ट कर सकते हो। किस तरह से करवाते हैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। दिस इज द स्ट्रेच टू इंक्रीज द एक्सटर्नल रोटेशन। अगर किसी एक्सटर्नल रोटेशन बढ़ानी है तो ये वाला आप जो है वो इस तरह से स्ट्रेचिंग करवा सकते हो। दो तरीके हैं, एक तो टेबल पे जो है वो सिटिंग पोजीशन में है, दूसरा स्टैंडिंग में जो है वो आपके डोर के कॉर्नर पे खड़े होके। ठीक है, तो ये भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि किस तरह से करवाने, वीडियोज भी मैंने आप लोगों को दिखाए थे, इन सब के वीडियोज भी मैंने आप लोगों को भेजे हुए हैं। तो ये तब करवाते हैं जब हमें पेशेंट्स में एक्सटर्नल रोटेशन लिमिटेड मिलती है और एक्सटर्नल रोटेटर्स जो है हमें मसल बहुत टाइट मिलते हैं, तो स्ट्रेचिंग के लिए ये वाली एक्सरसाइज करवाते हैं, पेशेंट को घर के लिए सजेस्ट करते हैं ताकि वो खुद से स्ट्रेचिंग करे, सेल्फ स्ट्रेच। दिस इज द स्ट्रेच, दिस इज द सेल्फ स्ट्रेच टू इंक्रीज द इंटरनल रोटेशन। अगर पेशेंट की इंटरनल रोटेशन लिमिटेड है तो उसको ये वाली जो है वो स्ट्रेच सजेस्ट करते हैं। This is the self stretch to increase the abduction and elevation. अगर किसी patient की abduction और elevation limited है, तो ये वाला जो है self stretch उसको suggest करते हैं। This is the self stretch to increase the extension. अगर किसी patient में extension limited है, तो जो उसमें उसको जो है हम ये वाली exercise suggest करते हैं उनके लिए। ये हम तब करवाते हैं जब पेशेंट में जो है वो इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन और स्केपुलर टिल्टिंग हमें बढ़ानी होती है। ठीक है, जब पेशेंट में हमें इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन और स्केपुलर टिल्टिंग बढ़ानी होती है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है पेशेंट स्ट्रेच तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो है वो थेरेपिस्ट भी हेल्प कर रहा है, तो दिस इज जो है वो मोमेंट। ठीक है, लेकिन इसको जो है सिर्फ इंटरनल रोटेशन को इंक्रीज करवाने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ जो है पेशेंट टॉवल पकड़ के जो इन्वॉल्व साइड होगा, एक मिनट में आपको बताती हूँ करके। ठीक है, ये वाली जो भी आप पिक्चर देख रहे थे ये मोबिलाइजेशन विथ मूवमेंट की है, लेकिन अगर हमें पेशेंट को सेल्फ स्ट्रेच सजेस्ट करना है ताकि उसकी इंटरनल रोटेशन, एक्सटेंशन और स्टेबुलर टिल्टिंग इम्प्रूव हो, उसके लिए वही टॉवल हाथ में पकड़ के, और जो है फिर हम उसको खींचते हैं टॉवल के ऊपर वाले सिरे को, जो अनइन्वॉल्व साइड है उससे जो है उसको ऊपर खींचते हैं, तो जो आपका वो बैक वाला हाथ है वो यूं पीछे जाता है, जिससे आपके इंटरनल रोटेटर्स की स्ट्रेचिंग होती है। तो ये आप करवा सकते हो सारी स्ट्रेचिंग पेशेंट्स की रेंज को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, इसके बाद ये आपकी मैनुअल एंड सेल्फ स्ट्रेचिंग, मैनुअल प्लस सेल्फ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज स्पेसिफिक मसल्स। अभी तक जो मैंने सारी एक्सरसाइजेस बताई पोजीशन पर्टिकुलर मूवमेंट को इम्प्रूव करने के लिए थी, कि भाई अगर फ्लेक्शन लिमिटेड है तो ये वाली स्ट्रेचिंग करवाओ, टेंशन लिमिटेड है तो ये वाली करवाओ, मतलब किसी पर्टिकुलर मूवमेंट को इंक्रीज करने के लिए वो स्ट्रेचिंग थी। अभी बात करेंगे एक पर्टिकुलर मसल की बात करेंगे, अगर पेक्टोरिस मसल टाइट है, पेक्टोरिस स्ट्रेचिंग किस तरह से करवाए, लैटिस डोर्स टाइट है या ट्रेपीज़ियस टाइट है, तो एक मसल की पर्टिकुलर किस तरह से करवाई वो अभी आपको बता दी।
सबसे पहले बात करें हाउ टू स्ट्रेच द लैटिमस डोर्साई मसल. लैटिमस डोर्साई मसल की स्ट्रेचिंग किस तरह से करवाते हैं, मैनुअल भी सेल्फ भी. मैनुअल जो हम थेरेपिस्ट करवाएंगे, सेल्फ जो पेशेंट खुद से करेगा. ठीक है, ये कुछ वीडियो से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ. ये मैनुअल स्ट्रेच है लैटिमस डोर्साई का. पेशेंट की पोजीशन सुपाइन लाइन में होती है, हिप और जो है नी दोनों फ्लेक्स्ड होते हैं. एक हाथ से आप फर्दर एडिशनल सपोर्ट दे सकते हो विद वन एंड जैसे उसने दिया हुआ है. दूसरे हाथ से हम डिस्टल यूरस को होल्ड करेंगे. ठीक है, डिस्टल यूरस को ग्रेस्ट करेंगे और पेशेंट को लेके जाते हैं आर्म को फ्लेक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन एंड अबडक्शन में. ठीक है, फ्लेक्शन ज्यादा होती है, लैटरल रोटेशन और अबडक्शन थोड़ी सी होती है. तो इस पोजीशन को लेके जाते हैं एज फॉर एज पॉसिबल जितना हम लेके जा सकते हैं. तो इससे आपका लैटिमस डोर्साई जो है वो उसकी स्ट्रेचिंग हम इस तरह से करवाते हैं मैनुअली. जो थेरेपिस्ट करवाता है पैसिव जिसको कह सकते हैं मैनुअल या पैसिव. अच्छा जी, सेल्फ स्ट्रेच पेशेंट खुद से कैसे लैटिमस डोर्साई को जो है वो स्ट्रेचिंग करवा सकता है उसकी स्ट्रेचिंग ऑफ द लैटिमस डोर्साई. दो तरीके उसके, सुपाइन पोजीशन में भी करवा सकते हैं, स्टैंडिंग में भी करवा सकते हैं. सुपाइन पोजीशन में जो हम करवाते हैं इसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि पेशेंट जो है वो हुक लाइंग पोजीशन में. हुक लाइंग में क्या होता है कि भाई के हिप और नी दोनों फ्लेक्स्ड है. पेशेंट जो है अपनी आर्म को फ्लेक्शन, लेटरल रोटेशन और अबडक्शन में जो है उसको लेके जाता है जैसे लेके जा रहा है एज फॉर एज पॉसिबल जितना उसको लेके जा सकता है. ह्यूमरस जो है या शोल्डर जो है वो लेटरल रोटेशन में या एक्सटर्नल रोटेशन में. लेटरल रोटेशन कितनी करनी है कि आपका थंब जो है वो ग्राउंड की तरफ जो है वो फेस करे इतना. तो उसको इतना एक्सटर्नल रोटेट करना है जब थंब फेसेस टुवर्ड्स ग्राउंड और उतना फ्लेक्शन में लेके जाना है जितना पेशेंट लेके जा सकता है एज फॉर एज पॉसिबल. दिस इज द सेल्फ स्ट्रेच लैटिमस डोर्साई इन सुपाइन पोजीशन. सेल्फ स्ट्रेच डोर्साई इन स्टैंडिंग पोजीशन क्योंकि वॉल के अगेंस्ट करवाते हैं. पेशेंट वॉल के अगेंस्ट खड़ा हुआ होता है. ठीक है, शोल्डर को अबडक्ट करेगा 90 डिग्री, एल्बो फ्लेक्स्ड होंगे और एक्सटर्नल रोटेट करेगा 90 डिग्री. ठीक है, इस पोजीशन में शोल्डर भी अबडक्ट है 90 डिग्री और एक्सटर्नल रोटेशन है 90 डिग्री और एल्बो फ्लेक्स है. पेशेंट को बोलते हैं कि वो अपने बैक ऑफ द हैंड, अपने हाथ का जो बैक साइड है उसको स्लाइड करे अप टू द वॉल एज फॉर एज पॉसिबल विदाउट बैक या जो है बैक स्पाइन आर्चिंग. ठीक है, बैक कर्व को उसको मेंटेन रखना होता है. पेशेंट को बोलते हैं कि वो अपने हाथों को हाथों की बैक साइड को जितना ऊपर लेके जा सकता है उसको लेके जाए एंड देन वापस लेके आए. चलो, कल हमारी बात हो रही थी मैनुअल एंड सेल्फ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस फॉर द स्पेसिफिक मसल. लैटिमस डोर्साई का मैंने आप लोगों को बताया था कि लैटिमस डोर्साई की पैसिव स्ट्रेचिंग किस तरह से की जाती है और पेशेंट सेल्फ स्ट्रेच किस तरह से कर सकते. अच्छा, इसमें जो बता रहे हैं ना कि पेशेंट को जो है फुल एलिवेशन में लेके जाना है और लेटरली रोटेट करना है. ठीक है, तो लेटरली रोटेशन जैसे मेरी एल्बो एक्सटेंडेड है. ठीक है, तो ये मीडियल रोटेशन है, ये फुल लेटरल रोटेशन है. तो फुल लेटरली रोटेट करते हुए फ्लेक्शन में लेके जाना है. तो जब पेशेंट सुपाइन पोजिशन में होगा लेटरली रोटेट करते हुए जाएगा तो थंब जो है वो मतलब ग्राउंड की तरफ जाएगा, फ्लोर की तरफ जाएगा. तो उसको थोड़ा सा स्लाइटली अबडक्ट करके हो जाना है. बाकी जो है फुल लेटरल रोटेशन एंड फुल फ्लेक्शन जितना वो कर सकता है तभी जो है फिर आपके लैटिमस डोर्साई स्ट्रेच होगा. नेक्स्ट मसल इज पेक्टोरस मेजर मसल. पेक्टोरस मेजर मसल की मैनुअल या पैसिव स्ट्रेच किस तरह से करवा सकते हैं हम लोग और पेशेंट सेल्फ स्ट्रेच किस तरह से कर सकते हैं. इस पिक्चर में जैसे शो हो रहा है This is the pectoralis major muscle. ठीक है, पेशेंट जो होता है वो सिटिंग में होता है. ठीक है, पेशेंट को टेबल पे बिठा देंगे सिटिंग पोजीशन में और उसको कहेंगे कि अपने हाथ द हेड करें
थेरेपिस्ट जो होगा वो बैक साइड पे होगा और एल्बो से होल्ड करता है और हॉरिजॉन्टली अबडक्ट करता है एल्बोस को, ठीक है, शोल्डर को हॉरिजॉन्टली अबडक्ट करता है एल्बो से पकड़ के। जब हम हॉरिजॉन्टली अबडक्ट कर रहे होते हैं तब हम पेशेंट्स को कहते हैं कि उनको इनहेल करना है, ब्रीथ इन करना है, ठीक है। और जब हम वापस उसको हॉरिजॉन्टल एडक्शन की पोजीशन में लेके आते हैं तो पेशेंट को कहते हैं कि उनको एक्सहेल करना है, ठीक है। इसको हम ज्यादातर 3 times रिपीट करते हैं इस स्ट्रेच को, ताकि जो है हाइपर वेंटिलेशन ना हो जाए पेशेंट्स में, ठीक है। अगर पेशेंट्स को कोई वो रेस्पिरेटरी इशू है तो इस चीज का भी ध्यान रखना है इस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो पेक्टोरिस मेजर मसल की स्ट्रेचिंग इस तरह से करवाते हैं, ठीक है, कि पेशेंट को बोलते हैं कि उनको अपने हाथ जो है वो बिहाइंड हेड रखनी, थेरेपिस्ट जो होगा वो पीछे से खड़ा होगा और एल्बो से होल्ड करेगा और हॉरिजॉन्टली अबडक्ट करना होता है कि जब पेशेंट को हॉरिजॉन्टली अबडक्शन में लेके जा रहे हैं हम लोग तो पेशेंट को कहते हैं कि वो इनहेल करें, ठीक है, वो इनहेल करेंगे। जब हम उसको वापस हॉरिजॉन्टल एडक्शन में लेके आते हैं तो पेशेंट जो है वो एक्सहेल, उसको बोलते हैं कि उसको एक्सहेल करें, ठीक है। तो दिस इज द पैसिव या मैनुअल स्ट्रेच ऑफ द पेक्टोरिस मेजर, ठीक है। सेल्फ स्ट्रेचिंग जो करवाते हैं पेक्टोरिस मेजर मसल की, उसके लिए पेशेंट को जो है वॉल के अगेंस्ट भी खड़ा कर सकते हैं और डोर ओपन डोर के पास भी, ठीक है। और पेशेंट को कहते हैं कि जैसे कि ए में आप देख रहे हो ना, उसमें क्या है कि उसकी जो है वो क्लेविकुलर पोर्शन जो है वो स्ट्रेच हो रहे हैं और बी में जो है उसके स्टर्नल पोर्शन स्ट्रेच हो रहे हैं, ठीक है। पेक्टोरिस मेजर के 2 parts होते हैं ना, क्लेविकुलर और स्टर्नल मसल के। तो जो फिगर ए आप देख रहे हो उसमें उसकी क्लेविकुलर पोर्शन स्ट्रेच हो रहे हैं और जो फिगर बी आप देख रहे हो उसमें उसके स्टर्नल पोर्शन जो है वो मसल के वो स्ट्रेच हो रहे हैं, ठीक है। पेशेंट को बॉल के अगेंस्ट खड़ा करते हैं और कहते हैं कि उसको जो है वो अपना बॉडी वेट आगे की तरफ शिफ्ट करना है। नेक्स्ट मसल जो है आपका पेक्टोरिस माइनर मसल, पेक्टोरिस माइनर मसल को किस तरह से स्ट्रेच करते हैं। पेक्टोरिस माइनर मसल की पैसिव स्ट्रेचिंग बताती हूँ या मैनुअल स्ट्रेचिंग जो थेरेपिस्ट हम लोग करवाते हैं, ठीक है। मैनुअल स्ट्रेच इस तरह से कहते हैं, ठीक है। दिस इज द स्ट्रेचिंग ऑफ द पेक्टोरिस माइनर मसल जो मैनुअली हम लोग करवाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि पेशेंट 2 positions में कर सकते हैं, सिटिंग में भी करवा सकते हैं, साइड लाइन में भी करवा सकते हैं, ठीक है। ये सिटिंग पोजिशन में, साइड लाइन का मैं वीडियो दिखा देती हूँ आपको, वो वीडियो है मेरे पास अवेलेबल, उसकी पिक्चर बुक में नहीं है, साइड लाइन में कैसे करवाते हैं, ठीक है। तो पेशेंट सिटिंग में भी हो सकता है, साइड लाइन में भी उसको करवा सकते हैं। थेरेपिस्ट जो होगा वो अनइन्वॉल्व साइड खड़ा होगा, ठीक है, जो अनअफेक्टेड शोल्डर साइड है वहां पे खड़ा होगा। थेरेपिस्ट का एक हाथ जो है वो पोस्टीरियर स्केपुला पे होगा एंड एक हाथ जो है वो एंटीरियर टू द शोल्डर ज्वाइंट होगा, जस्ट अबव द कैरेकोइड प्रोसेस, ठीक है। एक हाथ पीछे स्केपुला पे होगा जैसे आप देख रहे हो, ठीक है, दूसरा हाथ आगे इंटीरियर शोल्डर पे होगा जस्ट अबव द कैरेकोइड प्रोसेस। और पेशेंट को बोलेंगे कि जब हम स्केपुला को पोस्टीरियरली शिफ्ट करें, ठीक है, उसको इनहेल करना है। जब हम स्केपुला को इंटीरियर मतलब जो आगे वाला हाथ ना उसका, जब मैं इसको पोस्टीरियर लेके जा रही हूँ तो पेशेंट को इनहेल करना है। जब मैं आगे वाले हाथ को जो है वो मतलब ढीला छोड़ रही हूँ या पीछे वाले हाथ से फिर फोर्स लगा रही हूँ तो उसको एक्सहेल करना है, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं कि जो उसका थेरेपिस्ट का इंटीरियर हैंड है उससे हम स्केपुला को पोस्टीरियर शिफ्ट करते हैं और ये जो पोस्टीरियर वाला हैंड है उससे स्केपुला को एंटीरियर की साइड शिफ्ट करते हैं, मतलब एक किस्म की उसकी रोटेशन करवा रहे होते हैं, ठीक है। ये एरो आप देख रहे हो कि उससे जो है यहाँ से इंटीरियर साइड से हम उसको स्केपुला को यहाँ पीछे की तरफ पुश करेंगे और ये पोस्टीरियर हैंड से उसको जो है आगे की तरफ पुश करेंगे, ठीक है। और पेशेंट को बोलना है कि जब एंटीरियर साइड से मैं पीछे की तरफ पुश करूँ तो उसको इनहेल करना है, जब जो है वो वापस मतलब उसको रिलैक्स छोड़ रही हूँ आगे वाले हाथ को तो उसको एक्सहेल कर, ठीक है। दिस इज द मैनुअल स्ट्रेचिंग ऑफ द पेक्टोरिस माइनर मसल जो कि सिटिंग पोजीशन में करवा है। अब आते हैं कि सेल्फ स्ट्रेच किस तरह से करवाना है पेक्टोरिस माइनर का, ठीक है। सेल्फ स्ट्रेच के लिए जो है क्या दिखा देती हूँ आपको, ये मैंने आप लोग कुछ अच्छे नहीं लिखी थी, ठीक है।
सेल्फ स्ट्रेच जो होता है पेशेंट को स्टैंडिंग पोजीशन में करवाते हैं, स्टैंड करवाते हैं ये विद द डोर कॉर्नर, डोर के कॉर्नर के साथ जो है उसको स्टैंडिंग करवाते हैं, और पेशेंट का जो शोल्डर 90 डिग्री अबडक्ट होता है और एल्बो 90 डिग्री फ्लेक्स होता है, ठीक है, और फोर आर्म जो है वो रेस्ट कर रहा होता है अगेंस्ट द बॉडी, शोल्डर 90 डिग्री अबडक्ट है, एल्बो 90 डिग्री फ्लेक्स है, और ये जो फोर आर्म है वो रेस्ट करेगा अगेंस्ट द बॉडी, ठीक है, और हम पेशेंट को बोलते हैं कि उनको ट्रंक को रोटेट करने, ठीक है, हैंड की पोजीशन मतलब आर्म जो होगा वो इस तरह से हम फिक्स करवा लेंगे, पेशेंट को बोलना है कि उसको जो है वो ट्रंक को रोटेट करना है अपोजिट साइड, ठीक है, मतलब ये शोल्डर जो है वो इन्वॉल्व है उसको इस तरफ रोटेट नहीं करना है, उसको अपोजिट साइड रोटेट करना है। जब हम ये वाले तो इसमें क्या करना है कि मैंने कहा कि अगर ये वहाँ यहाँ फॉर एग्जाम्पल डोर है या वॉल है, 90 डिग्री शोल्डर को अबडक्ट किया है, 90 डिग्री एल्बो को फ्लेक्स किया है, यहाँ पे हमने हाथ को फिक्स कर लिया, अब पेशेंट को बोलना है कि रोटेट करे ट्रंक को, मतलब अपनी बॉडी को अपर ट्रंक को जो है उसको रोटेट करना है अपोजिट साइड, ये इन्वॉल्व शोल्डर है तो मुझे इस तरफ रोटेट करना है, ठीक है, जब मैं इस तरफ रोटेट करूंगी तो आप फील करेंगे कि आपका ह्यूमरल हेड इंटीरियरली जो है वो मतलब फोर्स लगा रहा है, इंटीरियर की तरफ जो है वो मूव कर रहा है, तो ये स्ट्रेच हम अगर किसी पेशेंट पे इंटीरियर इनस्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है तो ये वाला स्ट्रेच हम उस पेशेंट पे नहीं करवाते, ठीक है, क्योंकि ह्यूमरस जो है वो इंटीरियरली शिफ्ट हो रहा है तो इसलिए जो है हम ये वाला स्ट्रेच उसमें नहीं करवाते। नेक्स्ट मसल जो है आपका वो है लेवेटर स्केपुला मसल, हाउ टू स्ट्रेच द लेवेटर स्केपुला मसल, लेवेटर स्केपुला मसल को कैसे स्ट्रेच करते हैं, सबसे पहले मैनुअली बता रही हूँ, ठीक है, तो मैनुअल स्ट्रेच किस तरह से करवाते हैं, ठीक है, फिगर नंबर 17.34 है आपके जो है वो उसकी बुक की, पेशेंट जो होगा वो सिटिंग पोजीशन में, ये पैसिव स्ट्रेच बता रही हूँ कि पैसिवली हम या थेरेपिस्ट किस तरह से स्ट्रेच करेगा लिमिटर स्केपुला मसल को, ठीक है, पेशेंट जो होगा वो सिटिंग पोजीशन में होगा और सर्वाइकल की पोजीशन होगी साइड फ्लेक्शन, रोटेशन टू अपोजिट साइड एंड फ्लेक्शन, ठीक है, ये पेशेंट का टेस्ट साइड है, अगर वो हेड को इस तरफ रोटेट करता है तो रोटेशन टू सेम साइड होती है, अगर उसने उस तरफ रोटेट किया है तो दैट इज द रोटेशन टू अपोजिट साइड, ठीक है, तो पेशेंट जो होगा सिटिंग पोजीशन में होगा, सर्वाइकल को सबसे पहले क्या करवाएंगे, साइड फ्लेक्स करवाएंगे टू अपोजिट साइड, रोटेशन करवाएंगे टू अपोजिट साइड एंड देन फ्लेक्शन, ठीक है, इस पोजीशन में सर्वाइकल को ले जाके पेशेंट के शोल्डर को अबडक्ट करेंगे, ठीक है, अबडक्शन में लेके जाएंगे और एल्बो विथ एल्बो फ्लेक्शन, तो पेशेंट के हाथ को बोलेंगे कि उसको बिहाइंड द हेड रखने हैं, थेरेपिस्ट जो होगा वो पेशेंट के पीछे खड़ा होगा बिहाइंड द पेशेंट, एक हाथ जो होगा वो उसका स्टेबलाइज कर रहा होगा शोल्डर ज्वाइंट को, ये देख रहे हो आप लोग, ठीक है, इसके क्लेविकल या शोल्डर को जो है वो स्टेबलाइज कर रहा है, दूसरा हाथ जो उसने कहां से पकड़ा हुआ है डिस्टल ह्यूमरस से, ठीक है, और यहाँ से जो हाथ उसने डिस्टल ह्यूमरस पे पकड़ा हुआ है वहां से वो एल्बो को ऊपर की तरफ पुल करेगा जेंटली, ठीक है, यहाँ से एल्बो की तरफ से ह्यूमरस की तरफ से जहां से उसने हाथ पकड़ा हुआ है यहाँ से एल्बो को पुल करेगा जेंटली ऊपर की तरफ, ठीक है, इससे आपका जो है वो लेवेटर स्केपुला मसल स्ट्रेच होता है, ठीक है, एक बार दोबारा बता देती हूँ ताकि आप पोजीशन समझ जाओ, फॉर एग्जाम्पल मुझे इस शोल्डर की स्ट्रेचिंग करवानी है, ठीक है, पेशेंट की इस शोल्डर की स्ट्रेचिंग करवानी है तो मुझे नेक की पोजीशन क्या रखनी होगी, सबसे पहले मैं साइड फ्लेक्स करवाऊंगी अपोजिट साइड, ठीक है, अगर मैं ये साइड फ्लेक्स करती हूँ तो दिस इज द साइड फ्लेक्शन टू द सेम साइड जहाँ पे मैं स्ट्रेचिंग करने वाली हूँ, दिस इज साइड फ्लेक्शन टू अपोजिट साइड, तो हमें क्या करवाना है, साइड फ्लेक्शन करवानी है अपोजिट साइड, रोटेशन टू अपोजिट साइड, ठीक है, दिस इज रोटेशन टू अपोजिट साइड, अगर मैं साइड करती हूँ तो दैट इज द रोटेशन ऑन द सेम साइड, तो साइड फ्लेक्शन टू अपोजिट साइड देन रोटेशन, ठीक है, एंड देन फ्लेक्शन, जब भी आपकी पोजीशन जब आप एक पोजीशन कर रहे हो दूसरी पोजीशन पे जा रहे हो तो पहली पोजीशन को मेंटेन रखना है, ठीक है, ज्यादातर लोग जो इस चीज में गलती करते हैं तो जिसकी वजह से प्रॉपर जो है मसल में स्ट्रेच नहीं हो पाता, ठीक है, तो जब आप सबसे पहले मैंने क्या कहा साइड फ्लेक्शन, जब साइड फ्लेक्शन किए तो ये साइड फ्लेक्शन मेंटेन नहीं करते, उसके बाद
रोटेशन करवानी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि साइड फ्लेक्स किया, रोटेट करते करते वापस न्यूट्रल पोजीशन में आ गए, साइड फ्लेक्शन खत्म हो गई, वैसे नहीं करना, ठीक है। साइड फ्लेक्शन टू अपोजिट, रोटेशन टू अपोजिट एंड देन फ्लेक्शन। सर्वाइकल को इस पोजीशन में मेंटेन रखते हुए अब शोल्डर को पोजीशन में लेके जाना है। शोल्डर की क्या थी? अबडक्शन, ठीक है, अबडक्शन। और जो है आपकी एल्बो जो है वो पेशेंट की हम लोगों ने फ्लेक्शन में रखवाई हुई है, और पेशेंट को कहना है कि हाथ को जो है वो बिहाइंड द हेड रखे, ठीक है। ये पोजीशन करते हुए थेरेपिस्ट हम जो करेंगे, एक हाथ से हमने जो है यहाँ पे इसको स्टेबलाइज किया, दूसरे हाथ से यहाँ से हमने नीचे डिस्क ह्यूमरस पकड़ा है, और एल्बो को जेंटली अपवर्ड की तरफ जो है वो पुल करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये तो था पैसिव स्ट्रेच ऑफ लिमिटेड स्केपुला। सेल्फ स्ट्रेच किस तरह से करते हैं? ठीक है, दिस इज द सेल्फ स्ट्रेचिंग ऑफ लिमिटेड स्केपुला मसल, ठीक है। फिगर ए में जो है, मतलब पोजीशन फिगर ए में देख रहे हो क्या आप? एग्जैक्टली सेम है, नेक की पोजीशन को वैसे ही रखा हुआ है, ठीक है। उसी तरह से उसने जो है अपोजिट साइड रोटेट किया, अपोजिट साइड साइड फ्लेक्स एंड देन फ्लेक्शन किया, सर्वाइकल की पोजीशन सेम है, ठीक है, और शोल्डर और एल्बो की पोजीशन भी सेम है। इसमें यह है कि ये जो है पेशेंट वॉल के साथ खड़ा हुआ है, ठीक है, और स्लोली स्लोली जो है वो अपने एल्बो को वॉल के मतलब वॉल पे ऊपर स्लाइड कर रहा है, ठीक है। इस पोजीशन में ले जाके पेशेंट को बोलते हैं कि एल्बो को वॉल पे ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जो है जेंटली स्लाइड करता जाए ऊपर की तरफ, एरो जो आप देखें, ठीक है। तो ये सेल्फ स्ट्रेचिंग होती है लेवेंटर इसके फ्लैप से। दूसरा तरीका ये है जिस स्केपुला को डिप्रेस करते हुए जो है वो लेवेटर स्केपुला को स्ट्रेच कर रहे हैं। इस पोजीशन में आपका स्केपुला एलिवेशन में जा रहा है, इस पोजीशन में आपका स्केपुला डिप्रेशन में जा रहा है, लेकिन दोनों पोजीशन में जो है लेवेटर स्केपुला जो है वो स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। दूसरा ये तरीका है, इसमें क्या है, नेक की पोजिशन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, बस ये है कि शोल्डर पे कोई अबडक्शन या एल्बो पे कोई फ्लेक्शन वगैरह नहीं है। पेशेंट ने जो है हाथ को होल्ड किया हुआ है टेबल के कॉर्नर पे, ठीक है, वहां से उसने हाथ को जो है वो बिल्कुल स्टेबलाइज कर लिया है, यहाँ पे फिक्स कर लिया है, ठीक है। और पेशेंट को बोलते हैं कि उसको क्या कहते हैं, नेक को फर्दर जो है वो साइड फ्लेक्शन में लेके जाए, फ्लेक्शन में लेके जाए, और थोड़ा सा बॉडी को जो है वो अपोजिट साइड लीन कर, तो जिसकी वजह से यहाँ पे आपका लेविटर स्केपुला मसल स्ट्रेच हो रहा होता है, ठीक है। तो ये हो गया लेविटर स्केपुला मसल। नेक्स्ट जो है आपका दैट इज द अपर ट्रेपीजियस, हाउ टू स्ट्रेच द अपर ट्रेपीजियस मसल। पैसिव स्ट्रेचिंग जो है वो अपर ट्रेपीजियस की, ठीक है। उसके लिए क्या करवाते हैं, पेशेंट जो होता है वो सिटिंग पोजिशन में, सिटिंग में भी करवा, स्टैंडिंग में भी करवा सकते हैं, ज्यादातर सिटिंग में करवाते ताकि वो एक मिनट दिखा देती हूँ मैं आपको। अपर ट्रेपीजियस की स्ट्रेचिंग के लिए क्या करवाते हैं हम लोग, जो जिस तरफ की हमें स्ट्रेचिंग करवानी है पेशेंट को कहते हैं कि वो वाला हाथ जो है वो बिहाइंड द बैक रखे, ठीक है। तो वो वाला हाथ जो पेशेंट से हमें पीछे की तरफ रखवाते हैं, ठीक है, बिहाइंड द बैक रखवाते हैं जिस तरफ की स्ट्रेचिंग करनी है, ठीक है। और थेरेपिस्ट क्या कह रहा होता है, थेरेपिस्ट पीछे खड़ा होता है, ठीक है, और वो नेक को जो है फ्लेक्शन में लेके जाता है फुल, ठीक है। थेरेपिस्ट लेके जाएगा, पेशेंट नहीं लेके जाएगा, क्योंकि ये पैसिव स्ट्रेच है या मैनुअल स्ट्रेच है, ठीक है। पेशेंट से सिर्फ हाथ पीछे रखवाएंगे, बाकी जो पोजिशन करेगा वो थेरेपिस्ट खुद करेगा, ठीक है। क्या करवाएगा थेरेपिस्ट, थेरेपिस्ट पीछे होके, ठीक है, एक तो यहाँ से स्टेबलाइज कर लेगा, एक हाथ से यहाँ से स्टेबलाइज कर लेगा शोल्डर को, दूसरे हाथ से वो जो है सर्वाइकल को पहले फुल फ्लेक्शन में लेके जाता है, फ्लेक्शन के बाद जो है वो उसको लेके जाएगा साइड फ्लेक्शन टू द अपोजिट साइड, साइड फ्लेक्शन टू द अपोजिट साइड, एंड देन रोटेशन करवाता है टू द सेम साइड, ठीक है। सर्वाइकल की तीन पोजिशन करवाता है, एक फ्लेक्शन, फ्लेक्शन के बाद साइड फ्लेक्शन टू द अपोजिट साइड, उस तरफ हम टेस्ट कर रहे हैं स्ट्रेच कर रहे हैं, उससे अपोजिट साइड रोटेशन टू द सेम साइड, ठीक है। अब रोटेट करेगा तो सेम साइड जहाँ पे वो जो है स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे आपके अपर ट्रेपीजियस स्ट्रेच हो जाएगा। अगर अपर ट्रेपीजियस को और फर्दर स्ट्रेच करना है तो वो जो यहाँ से उसने जो स्टेबलाइज किया हुआ है, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट क्लेविकल को वो डाउनवर्ड डिप्रेस करेगा, तो अपर ट्रेपीजियस पे और फर्दर स्ट्रेच आ रहा होगा,
ये पोजिशन है, ठीक है। ये तो सेल्फ स्ट्रेच है वैसे, ठीक है, ये सेल्फ स्ट्रेच है अपर ट्रेपीजियस का, ठीक है। जो पैसिव या मैनुअल स्ट्रेच करवाते हैं ना उसमें भी सेम ही होती है, बस ये केस में पेशेंट खुद से कर रहा है, उसमें जो है हम थेरेपिस्ट करवा रहे होते हैं। उसी तरह से ये हैंड जो है बिहाइंड द बैक रखवाएंगे, और सर्वाइकल पे जो है वो पहले फ्लेक्जन करवाते हैं, देन साइड फ्लेक्जन टू अपोजिट साइड जैसे इस तरह से की हुई इसने, एंड देन रोटेशन टू द सेम साइड, ठीक है, रोटेशन कर रहा है सेम साइड पे, ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ पे आपकी स्ट्रेचिंग्स जो है वो खत्म होती है। अब हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस पे बात करेंगे, ठीक है। स्ट्रेचिंग मैंने आप लोगों को सारी बता दी, जो इंडिविजुअल मसल्स की है वो भी बता दी, ठीक है, इंडिविजुअली मसल्स को किस तरह से स्ट्रेच किया जाए पैसिवली एज वेल एज सेल्फ, ठीक है। और दूसरी मूवमेंट के अकॉर्डिंग भी मैंने सारी बताई थी कि किसी पर्टिकुलर मूवमेंट को अगर इंक्रीज करना है कि फ्लेक्जन को इंक्रीज करना है, कभी एक्सटेंशन को इंक्रीज करना है, अबडक्शन इंक्रीज चाहिए, अडक्शन की या एक्सटर्नल रोटेशन, जिस भी मूवमेंट की पर्टिकुलर मूवमेंट की आपको रेंज इंक्रीज करवानी, स्ट्रेचिंग किस तरह से करवा दी वो बता दी थी आपको। अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस की, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस ऑफ द ग्लेनोह्यूमरल मसल एंड स्केपुलर मसल दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जो है वो स्केपुला पे काम हो रहा है, ठीक है। स्केपुला की आपको पता है कि डिप्रेशन जो है वो लोअर ट्रेपीजियस करवाता है, एलिवेशन जो है आपका अपर ट्रेपीजियस करवाता है, प्रोटेक्शन या आउटवर्ड रोटेशन ऑफ स्केपुला, ठीक है, प्रोटेक्शन या आउटवर्ड रोटेशन ऑफ स्केपुला जो है आपका सेरेटस इंटीरियर मसल करवाता है, और स्केपुला की रिट्रैक्शन और इनवर्ड जो है वो रोटेशन या एडक्शन जिसको आप कहते हो वो रोम्बॉइड्स और ट्रेपीजियस मिलके करवाते हैं, ठीक है। तो मसल पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको मतलब किस चीज किस पर्टिकुलर मूवमेंट में जो है वो वीकनेस है, और आपको कौन से मसल की स्ट्रेंथनिंग रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो मसल्स आपको याद होनी चाहिए सारे स्केपुला के। एक तो सिंपल ये है कि आप जो है थेरेपिस्ट जो है वो होल्ड रिलैक्स टेक्निक्स के थ्रू जो है जिस तरह से करवाता है स्ट्रेंथनिंग, थेरेपिस्ट ने जो है वो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, जैसे ये फिगर नंबर ए में आप देख रहे हो, ठीक है। इसमें क्या है, ये जो है स्केपुला को एलिवेट कर रहा है, तो थेरेपिस्ट यहाँ से डाउनवर्ड की तरफ फोर्स लगा रहा है उतने, ठीक है। तो यहाँ पे स्केपुला के एलिवेटर्स की जो है वो स्ट्रेंथनिंग हो रही है, यहाँ पे पेशेंट जो है वो डाउनवर्ड मतलब डिप्रेशन की तरफ लगा रहा है, स्केपुला को डिप्रेस कर रहा है, और थेरेपिस्ट जो है उसको अपवर्ड पुश कर रहा है। यहाँ पे स्केपुला के जो डिप्रेसर्स हैं उसकी स्ट्रेंथनिंग हो रही है, ठीक है। जब पेशेंट ऊपर की तरफ शोल्डर को पुश कर रहा है, एलिवेट करने की कोशिश कर रहा है, और थेरेपिस्ट अपोजिट फोर्स लगा के उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, तब एलिवेटर्स की स्ट्रेंथनिंग हो रही है। एलिवेटर कौन है, अपर ट्रेपीजियस, ठीक है। जब पेशेंट जो है नीचे की तरफ स्केपुला को पुश कर रहा है, डिप्रेस कर रहा है, और थेरेपिस्ट उसको रोक रहा है वैसा करने से या रेजिस्टेंस दे रहा है, तब आपके लोअर ट्रेपीजियस जो आपके डिप्रेसर है स्केपुला के उसकी स्ट्रेंथनिंग हो रही है, ठीक है। जो फिगर बी में आप देख रहे हो दिस वन, इसमें जो है पेशेंट क्या कर रहा है, हाथ को जो है सॉरी स्केपुला को प्रोट्रैक्शन की तरफ लेके आ रहा है, तो रेजिस्टेंस दे रहा है थेरेपिस्ट, ठीक है। इसी तरह से स्केपुला को रिट्रैक्शन की तरफ लेके जाएगा तो जो है तो अगर प्रोट्रैक्शन और स्ट्रेंथनिंग करवानी है तो पेशेंट इसी तरह सिटिंग पोजीशन में होगा, हाथ जो है वो थेरेपिस्ट के इस तरह से शोल्डर पे रेस्ट करेगा, ठीक है। अगर प्रोट्रैक्टर्स की स्ट्रेंथनिंग करवानी है तो पेशेंट को बोलेंगी कि जो है वो स्केपुला को आगे की तरफ पुश करें जैसे हम प्रोट्रैक्शन कर रहे हैं, और थेरेपिस्ट जो होगा वो उसको रोकेगा, रिट्रैक्शन की उसकी तरह मतलब अपोजिट होगा, तो उसको बोलेंगे कि रिट्रैक्ट करें, और थेरेपिस्ट उसको रोकने की कोशिश करते हैं। ये जो है आपके एक्सटर्नल दिस फिगर ए, इसमें आपके एक्सटर्नल रोटेटर्स की स्ट्रेंथनिंग हो रही है, पेशेंट सुपाइन पोजीशन में जो है थेरेपिस्ट ने एक हाथ से शोल्डर को जो है वो स्टेबलाइज किए हैं, एल्बो फ्लेक्स्ड है, शोल्डर अबडक्टेड है, पेशेंट जो है वो एक्सटर्नली रोटेट कर रहा है हाथ को, और थेरेपिस्ट यहाँ से रेजिस्टेंस दे रहा है उसको, एक्सटर्नली रोटेशन करने से रोक रहा है।
रेजिस्टेड एक्सरसाइज ऑफ द इंटरनल रोटेशन। पेशेंट जो है वो सुपाइन पोजीशन में, शोल्डर अबडक्टेड है, एल्बो फ्लेक्स्ड है, पेशेंट जो थेरेपिस्ट जो है वो पेशेंट की हेड साइड पे खड़ा हुआ है, ठीक है, पेशेंट की हेड साइड पे खड़ा हुआ है। एक हाथ से उसने यहाँ से डिस्टल ह्यूमरस को स्टेबलाइज कर दिया, ठीक है, दूसरा हाथ जो है उसने रिस्ट से पकड़ा हुआ है और पेशेंट को बोलते हैं कि इंटरनली रोटेट करें और आप उसको रोकते हो, आप उसको रेजिस्टेंस देते हो इंटरनल रोटेशन करने, रोकते हो, ठीक है। स्टैंडिंग एक्सरसाइजेस में हमेशा हम रेजिस्टेंस देते हैं, ये तो आपको पता है, इसलिए अभी जो भी सारे एक्सरसाइजेस आएंगी ना स्ट्रेंथनिंग की, उसमें जो है वो रेजिस्टेंस अप्लाई हो रहा होता है। अच्छा जी, इसके बाद आपकी है ये पेशेंट जो है, ये थेरेपिस्ट रेजिस्टेंस दे रहा है एलिवेशन में, और कौन सी एलिवेशन, स्कैपुलर प्लेन एलिवेशन, ठीक है। स्कैप्शन का मैंने आप लोगों को बताया था, जब हम अबडक्शन में ले जाके फॉरवर्ड फ्लेक्स करते हैं 30 डिग्री अबाउट या 35 टू 45 डिग्री के दरमियान, तो वहां पे जो पोजीशन होती है वो हम कहते हैं कि दैट इज द स्कैप्शन, ठीक है। अबडक्शन में ले जाके जब हम जो है हॉरिजॉन्टली जो है वो फ्लेक्स करते हैं या फॉरवर्ड फ्लेक्स करते हैं 30 टू 45 डिग्री के दरमियान, तो हम कहते हैं कि दैट इज द स्कैप्शन प्लेन। तो पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में उस तरह से लेके आया गया है, ठीक है, वो पेशेंट फर्दर एलिवेट करने की कोशिश, स्कैप्शन पोजीशन में पेशेंट फर्दर ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहा है, हमको और थेरेपिस्ट वहां पे रेजिस्टेंस दे रहा है। ये सेल्फ स्ट्रेचिंग है जो अभी मैंने सारी बताई, ये क्या थी, ये थेरेपिस्ट रेजिस्टेंस दे रहा था। तो इस तरह से सेल्फ स्ट्रेंथनिंग, जैसे सेल्फ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रहे थे, उसी तरह से सेल्फ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस भी पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। फिगर ए, इसमें जो है पेशेंट जो है सेल्फ रेजिस्टेंस दे रहा है खुद को फ्लेक्जन में। फिगर बी में पेशेंट सेल्फ रेजिस्टेंस दे रहा है अबडक्शन में। फिगर सी में पेशेंट सेल्फ रेजिस्टेंस दे रहा है रोटेशन में, ठीक है, अगर अंदर की तरफ लेके जा रहा है और रेजिस्टेंस दे रहा है तो इंटरनल रोटेटर्स को रेजिस्टेंस दे रहा है, अगर हाथ को बाहर की तरफ लेके जा रहा है और रेजिस्टेंस दे रहा है तो वो एक्सटर्नल रोटेटर्स को रेजिस्टेंस दे रहा है, ठीक है। तो सेल्फ रेजिस्टेंस आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस हैं। उसके अलावा वॉल को भी यूज कर सकते हो आप फॉर द रेजिस्टेंस, जैसे इसमें जो है दिस इज द वॉल, ठीक है, ये जो है वॉल, वॉल को एज ए रेजिस्टेंस यूज कर रहा है इन द फ्लेक्जन मूवमेंट, दिस इज द वॉल गिविंग रेजिस्टेंस इन द अबडक्शन मूवमेंट, एंड दिस इज द वॉल गिविंग रेजिस्टेंस इन द रोटेशन मूवमेंट, ठीक है, एक्सटर्नल रोटेशन। ये बाहर की तरफ मूव कर रहा है और वॉल का जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस अंदर की तरफ है, तो ये रेजिस्टेंस कहां पे हो रहा है, एक्सटर्नल रोटेशन। तो इस तरह से भी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवा सकते हो, जब पेशेंट आपके पास आ रहा है तो खुद से कर सकते हो, घर के लिए उसको इस तरह से सजेस्ट कर सकते हो कि सेल्फ सेल्फ स्ट्रेंथनिंग की तरह से घर पे करें, ठीक है। इसमें क्या है कि पेशेंट स्कैपुलर जो रिट्रैक्टर से उसकी स्ट्रेंथनिंग करवा रहा है, ठीक है, जो उसके स्कैपुलर रिट्रैक्टर मसल से उसकी स्ट्रेंथनिंग करवा रहा है। स्कैपुलर रिट्रैक्टर कौन से, स्कैपुलर रिट्रैक्टर आपके रोम्बॉइड्स और ट्रैपेजियस, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथनिंग करवा रहा है। पेशेंट क्या है, प्रोन लाइन पोजीशन में है, ठीक है, हाथ में उसने जो है वो वेट पकड़ा हुआ है, हाथ जो है वो ऑफ द टेबल है, बिल्कुल कॉर्नर पे लेटा हुआ है, उसका पूरा आर्म जो है वो टेबल के जो है वो साइड पे जो है नीचे है, ठीक है, हाथ में उसने रेजिस्टेंस पकड़ा हुआ है जैसे आप देख रहे हो, और पेशेंट को हम बोलते हैं कि जो है उसको मतलब आर्म पूरी आर्म की पोजीशन इसी तरह से होगी, एल्बो एक्सटेंडेड होगा, यहाँ पे वो आर्म पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, यहाँ पे सिर्फ वो क्या करेगा कि यहाँ पे शोल्डर को रिट्रैक्ट करेगा, स्कैपुला को रिट्रैक्ट करेगा ऊपर की तरफ, ठीक है, रिट्रैक्ट करेगा, कुछ देर के लिए होल्ड करेगा एंड देन रिलैक्स करेगा, ठीक है, यहाँ से क्लेविकल को पीछे जो है वो पीछे की तरफ लेके जाएगा, मतलब स्कैपुला को रिट्रैक्ट करेगा जिस तरह से रिट्रैक्ट करते हैं, बाकी फोरआर्म पे कोई पोजीशन में चेंज नहीं आएगी, कोई एल्बो फ्लेक्जन में नहीं जाएगा, मतलब कोई पुशअप वाली पोजीशन नहीं है यहाँ पे, उसको इससे कंफ्यूज नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ स्कैपुला पे रिट्रैक्शन हो रही है, तो कोई भी वेट जो है उसको भी एज अ रेजिस्टेंस आप यूज कर सकते हो।
इसमें भी स्केपुलर रिट्रैक्टर्स जो है ना आपके जो रोम्बॉइड मसल है या जो ट्रेपेज़ियस मसल है इसमें भी उसी की स्ट्रेंथनिंग हो रही है, उसका एक अलग वो है तरीका है। पेशेंट प्रोन लाइन में है ठीक है, और जो है वो हॉरिजॉन्टली अबडक्ट कर रहा है अपने दोनों आर्म्स को ठीक है। पेशेंट प्रोन लाइन में है, शोल्डर 90 डिग्री अबडक्शन में है, एल्बो जो है वो एक्सटेंडेड है, फोरआर्म जो है वो प्रोनेशन में है, और पेशेंट जो है फुल जो है हॉरिजॉन्टल अबडक्शन में लेके जा रहा है स्कैपुला सॉरी शोल्डर्स को। तो इसमें कौन से मसल्स की स्ट्रेंथनिंग हो रही है? आपकी जो है रिट्रैक्टर्स की। इसमें जो एज अ रेजिस्टेंस फोर्स यूज हो रहा है वो ग्रेविटी का फोर्स हो रहा है ठीक है। और दूसरी चीज नोट करें, यहाँ पे आपके रोम्बॉइड्स मिडिल मतलब कि रिट्रैक्शन तो हो रही है, आपके रोम्बॉइड्स और ट्रेपीजियस तो स्ट्रेंथनिंग हो रही है, लेकिन साथ साथ हॉरिजॉन्टल अबडक्शन में भी लेके जा रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल अबडक्टिव मसल्स जो है वो उनकी भी स्ट्रेंथनिंग हो रही है इसमें। तो इसमें पोस्टीरियर डेल्टॉइड की भी स्ट्रेंथनिंग हो रही है, तीन मसल्स की स्ट्रेंथनिंग हो रही है इस पोजीशन में एक साथ साथ। एक आपका रोम्बॉइड्स, आपका मिडिल ट्रेपीजियस और आपका जो है वो पोस्टीरियर डेल्टॉइड ठीक है। जब हम स्कैपुला की रिट्रैक्शन करवाते हैं ना तो सबसे फर्स्ट पोजीशन जो इजी होती है पेशेंट के लिए ये वाली जो मैंने आपको बताई थी प्रोन रिट्रैक्शन विथ वेंट ठीक है। पहले पेशेंट को ये वाली पोजीशन करवाते हैं, ये पेशेंट के लिए इजी रहती है। जब पेशेंट इसमें जो है वो समझो कि कर लेता है आसानी से, देन जो है प्रोन ड्रॉइंग करवाते हैं ठीक है। पेशेंट ने वही हाथ में हाथ वेट पकड़ा हुआ है, प्रोन ड्रॉइंग एक्सरसाइज जिसमें जो है आपके रिट्रैक्टर्स जो है वो उसकी स्ट्रेंथनिंग हो रही ठीक है। देन पेशेंट को इस पोजीशन में स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाते हैं, उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट जो है आप जो मैंने आप लोगों को ये अभी पिक्चर दिखाई उसके बाद इस पोजीशन में लेके जाते, उसके बाद इस वाली पोजिशन में लेके जाते। तो एक पूरा क्राइटेरिया होता है कि पहले पेशेंट किस तरह से स्ट्रेंथनिंग करवानी है, देन उसके लेके जाना है थर्ड इसके लेके जाना है। तो थर्ड जो है आप इस तरह से प्रोन हॉरिजॉन्टल अबडक्शन एक्सरसाइज करवाते हो रिट्रैक्टर्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए ठीक है। दिस इज द बॉल कॉर्नर ठीक है, पेशेंट को बॉल कॉर्नर पे खड़ा करेंगे, फेस जो होगा पेशेंट का वो अपोजिट टू द वॉल होगा ठीक है, वॉल की तरफ नहीं होगा। शोल्डर को अबडक्ट करवाते 90 डिग्री, एल्बो फ्लेक्स होते 90 डिग्री ठीक है। एल्बो इसी तरह से मतलब एल्बो को जो है एल्बो जॉइंट को वो जो है बिल्कुल वो उसको पॉइंट करवाते हैं वॉल पे ठीक है। और पेशेंट को बोलते हैं कि अपने ट्रंक को जो है वो फॉरवर्ड पुश करें, एल्बो को पीछे की तरफ जो है वो फोर्स लगाते हैं, यहाँ एल्बो पे वो बैक पे फोर्स लगाएगा, वॉल पे फोर्स लगाएगा और बॉडी को आगे की तरफ पुश करेगा। तो इससे भी जो है आपके स्केपुला के रिट्रैक्टर्स जो है वो स्ट्रेंथ हो रहे होते हैं ठीक है। तो ये डिफरेंट तरीके मतलब डिफरेंट पोजीशन से, जरूरी नहीं कि आप सारे यूज करो जो आपको इजी लगती है पेशेंट पे, आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो कि आपको अगर इस रिट्रैक्टर्स की स्ट्रेंथनिंग करवानी है तो इनमें से जो आपके लिए इजी है जो पेशेंट के लिए इजी है वो आप चूज करो। जैसे आप प्रोफेशनल लाइफ में आओगे तो आपकी खुद ही आप मतलब एक्सपर्ट होते जाओगे कि कौन सी एक्सरसाइज मुझे ज्यादा एडवांटेज लगती है या क्या है, कौन सी पेशेंट के लिए इजी है, किससे जल्दी जो है वो स्ट्रेंथनिंग जो है वो डेवलप हो रही है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जब आप यूज में आओगे तो आप समझ जाओगे। तो डिफरेंट पोजिशन से तो आप कोई सी भी यूज कर सकते हो ठीक है। इसमें जो है आपकी रिट्रैक्टर और हॉरिजॉन्टल मतलब कुछ पोजिशन इसमें जो है वो कंबाइंड हो रही है, और जो सारी पोजीशंस हो रही है उन सबके की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग हो रही है ठीक है। यहाँ पे आपकी रिट्रैक्शन हो रही है, हॉरिजॉन्टल अबडक्शन हो रही है, शोल्डर की एक्सटेंशन हो रही है और जो है एक्सटर्नल रोटेशन हो रही है शोल्डर की ठीक है। ये चारों मूवमेंट्स हो रही है जब आप ये वाली पोजीशन कर रहे हैं। इलास्टिक बैंड या थेरा बैंड वगैरह है ठीक है, जिसको रेजिस्टेंस आप यूज कर रहे हो और उसको लेके आ रहे हो ये पीछे, उसको पीछे की तरफ आप लेके जा रहे हो। तो यहाँ पे आपके शोल्डर्स जो है वो रिट्रैक्ट करें, ये देखें सॉरी स्कैपुला आपके रिट्रैक्शन में जा रही, शोल्डर आपका एक्सटर्नल में एक्सटर्नल रोटेशन में भी जा रहा है,
जब ये पीछे लेके आएगा तो शोल्डर एक्सटर्नली रोटेट होता है, एक्सटेंशन में भी जा रहा है और जो है हॉरिजेंटल अबडक्शन भी साथ साथ हो रहा है, तो ये सारे मसल इस पोजीशन में जो है उसकी स्ट्रेंथनिंग होगी। ये पुशअप विथ अ प्लस पोजीशन कहलाती है, ठीक है, पुशअप विथ अ प्लस। इसकी वीडियो दिखा देती हूँ कि इसको किस तरह से जो है करवाते हैं, इसकी वीडियो है मेरे पास। इसमें जो है आपके जो बेसिकली जो मसल जो है वो स्ट्रेंथनिंग हो रही है, वो स्केपुला जो है वो प्रोटेक्टर्स की स्ट्रेंथनिंग हो रही है। स्केपुला प्रोटेक्शन कौन करवाता है? सेरेटस एंटीरियर मसल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेरेटस एंटीरियर मसल जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो एक्टिवेट हो रहा है या स्ट्रेंथनिंग हो रही है उसकी। अच्छा, ये फिगर में आप जैसे देख रहे हो, इसमें क्या करवा रहा है थेरेपिस्ट? इसमें जो है आपके स्केपुला की डिप्रेसर्स की स्ट्रेंथनिंग हो रही है, जो आपके लोअर ट्रेपीजियस मसल है, ठीक है, लोअर ट्रेपीजियस, और इसमें साथ साथ सेरेटस एंटीरियर के लोअर पार्ट की भी स्ट्रेंथनिंग हो रही है। इसमें क्या कर रहा है कि यहाँ पे पेशेंट जो है वो स्केपुला को डिप्रेशन में लेके जा रहा है और थेरेपिस्ट उसको रेजिस्टेंस दे रहा है, उसको अपवर्ड पुश कर रहा है, ठीक है। पेशेंट जो है उसको डाउनवर्ड पुश कर रहा है, स्केपुला को डिप्रेस कर रहा है और थेरेपिस्ट जो है यहाँ से जो है वो रेजिस्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। इस पोजीशन में भी करवा सकते हो, इस पोजीशन में पेशेंट बैठा हुआ है, सिटिंग पोजीशन में, आर्म बाय साइड है, एल्बो 90 डिग्री फ्लेक्स्ड है, ठीक है। थेरेपिस्ट जो है उसने हाथ कहाँ पे रखा हुआ है? एल्बो जॉइंट या डिस्टल ह्यूमरस पे, ठीक है। पेशेंट क्या कर रहा है? क्लेविकल को स्केपुला को जो है डाउनवर्ड डिप्रेस कर रहा है और थेरेपिस्ट उसको रोक रहा है, ठीक है। एक ये करवा सकते हो, सेल्फ स्ट्रेंथनिंग भी करवा सकते हो। सेल्फ स्ट्रेंथनिंग इस तरह से फिगर बी में जैसे आप देख रहे हो कि पेशेंट इस पोजीशन में होगा, ठीक है, आर्म्स को इसी पोजीशन में फिक्स कर लेगा पूरा, ठीक है, आर्म बाय साइड है, एल्बो एक्सटेंडेड है, इसी पोजीशन में बिल्कुल फिक्स कर लेगा और पेशेंट को बोलेंगे कि अपनी बॉडी को डाउनवर्ड जो है वो डाउनवर्ड पुश करें, अपने बॉडी वेट डाउनवर्ड लेके जाए, तो इससे क्या होगा कि स्केपुला पे डिप्रेशन आ रही होती है, देन वापस वो ऊपर लेके आएगा, देन नीचे लेके जाएगा और हर पोजीशन मतलब सेकंड्स के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए होल्डिंग करता है, तो इसमें आपके लोअर ट्रेपीजियस की स्ट्रेंथनिंग हो रही होती है, तो डिप्रेसर्स को इस तरह से स्ट्रेंथनिंग करवा रही है, ठीक है। इसमें कुछ डिफरेंट पोजीशंस बताई हुई है कि जब हम शोल्डर श्रगिंग करवाते हैं, ठीक है, जब स्टैंडिंग पोजीशन में शोल्डर श्रगिंग करवा रहे होते हैं तब आपका अपर ट्रेपीजियस एक्टिवेट हो रहा होता है, ठीक है, शोल्डर श्रगिंग वही के शोल्डर एलिवेशन जो करवाते हैं। जब हम फुल एलिवेशन करवा रहे होते हैं आर्म की प्रोन लाइन पोजीशन में, ठीक है, जब प्रोन लाइन पोजीशन में आर्म की फुल एलिवेशन करवा रहे होते हैं तब आपके जो है ऑल द ट्रेपीजियस वो है वो एक्टिवेट हो रहे हैं, अपर ट्रेपीजियस भी, मिडिल ट्रेपीजियस भी, लोअर ट्रेपीजियस भी और आपका सेरेटस एंटीरियर मसल भी, ठीक है। तो अगर आपने समझो कि कुछ पर्टिकुलर मसल जैसे उसकी स्ट्रेंथनिंग करवानी है, जैसे कि ट्रेपीजियस भी सारे वीक हैं, सेरेटस इंटीरियर भी वीक है, तो आप प्रोन लाइन में एलिवेशन करवाओगे तो वो एक ही पोजिशन जो होगी वो सारे मसल्स को कवर करेगी। तो ये डिफरेंट पोजिशन लिखी हुई है कि कौन सी पोजिशन जो है वो कौन से मसल्स को जो है वो कवर कर रही है, ठीक है। इसको भले आप पिक्चर ले लें, आप बैठ के पढ़िएगा, सारी एक्सरसाइजेस सारी पोजिशंस मैंने आपको बता दी है, सिर्फ उसमें ये है कि कौन सी जो है पोजिशन कौन से मसल को एक्टिवेट कर रही है, उसको आप पढ़ लीजिएगा सही से, ठीक है। रोइंग एक्शन सीटेड एंड प्रोन, प्रोन लाइन में तो मैंने रोइंग आपको बता दी थी, सीटिंग में पिक्चर में दिखा देती हूँ कि रोइंग जो है सीटिंग पोजिशन में किस तरह से होती है, ठीक है, ये मैं दिखा देती हूँ आपको। डायगोनल एक्सरसाइज की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है, डायगोनल पोजीशन क्या होती है वो दिखा देती हूँ, बाकी सारी पोजीशन जो है इसमें दी गई है वो आपको मैं बता चुकी हूँ, आपको समझ आ जाएगी आप पढ़ेंगे, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, फिगर मैंने आपसे शेयर कर ली है व्हाट्सएप पे, देख लीजिए। रोइंग इन सिटिंग पोजिशन, ठीक है, थेराबैंड या उसके साथ ये वाली जो एक्सम थेराबैंड के साथ जो एक्सरसाइज करवाती है ये सीटेड ड्रॉइंग पोजीशन के लाते हैं। ये जो है डायनामिक स्ट्रेंथनिंग इसमें बता रहे हैं आपके ग्लेनिक ह्यूमरल मसल्स की, ठीक है। इसमें आपके जो है फिगर नंबर ए में जो आप देख रहे हो, इसमें
थेराबैंड के साथ जो है वो एक्सरसाइज कर रहा है, थेराबैंड के साथ जो स्ट्रेंथनिंग करवा रहा है किसकी, इन्वॉल्व साइड, ठीक है, दूसरे हाथ में उसने थेराबैंड पकड़ा है, दूसरे हाथ में भी पकड़ सकता है या किसी जो है वो मतलब किसी भी जगह पे वो आप टाई भी कर सकते हो ना उसको थेराबैंड को, और हाथ को बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है, आर्म बाय साइड है, एल्बो फ्लेक्स्ड है 90 डिग्री, और जो है वो हाथ को एक्सटर्नली रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे थेराबैंड है, थेराबैंड जो है वो अंदर की तरफ प्रेशर लगा रहा है, रेजिस्टेंस पेशेंट जो है बाहर की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके एक्सटर्नल रोटेटर्स की स्ट्रेंथनिंग हो रही है, आपके एक्सटर्नल रोटेटर कौन कौन से, इंफ्रास्पाइनेटस और टीरीज माइनर, ठीक है, तो इसमें आपके इंफ्रास्पाइनेटस और टीरीज माइनर की जो है वो स्ट्रेंथनिंग हो रही है, ये सिटिंग स्टैंडिंग पोजिशन या सिटिंग पोजिशन में भी कर सकते हो थेराबैंड के साथ, दूसरी एक्सटर्नल रोटेटर्स की स्ट्रेंथनिंग जो है आप प्रोन लाइन पोजिशन में इस तरह से भी करवा सकते हो, पेशेंट प्रोन लाइन में होगा, शोल्डर अबडक्टेड है 90 डिग्री, एल्बो फ्लेक्स्ड है 90 डिग्री, हाथ में वेट पकड़ा हुआ है फॉर द रेजिस्टेंस, ठीक है, और पेशेंट जो है वो उसको जो है इस तरह से यहाँ पे ऊपर लेके जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, ऊपर लेके जाने की कोशिश करेगा मतलब एक्सटर्नली रोटेट करेगा प्रोन लाइन में, और जो है रेजिस्टेंस जो वेट का फोर्स होता है वो उसका अपोजिट फोर्स लगा रहा है, यहाँ पे इन दोनों में आपके एक इंफ्रास्पाइनेटस दूसरा टीरीज माइनस टीरीज माइनर इन दोनों की जो है वो स्ट्रेंथनिंग हो रही है, ठीक है, तो एक्सटर्नल रोटेटर्स की स्ट्रेंथनिंग करवानी है तो इस तरह से करवा सकते हो, इंटरनल रोटेटर्स की स्ट्रेंथनिंग करवानी है तो अच्छा ये भी एक्सटर्नल रोटेशन की है, ठीक है, एक्सटर्नल रोटेशन की तीन पोजीशंस आपको बताई गई है बुक में, ए बी, ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ठीक है, तीन तरीके से करवा सकते हो, एक में जो है आपकी आर्म बाय साइड थी फिगर ए में जैसे आपने देखा, ठीक है, आर्म बाय साइड है और एक्सटर्नल रोटेशन की स्ट्रेंथनिंग हो रही है, फिगर बी में आपका शोल्डर 90 डिग्री अबडक्शन पे है, देन आप उसको एक्सटर्नली रोटेट जो है वो उसकी स्ट्रेंथनिंग करवा रहे हो, फिगर सी में आपकी स्केपुलर प्लेन में है शोल्डर, शोल्डर इज इन स्केपुलर प्लेन और आप जो एक्सटर्नल रोटेटर्स की स्ट्रेंथनिंग करवा रहे हो, ठीक है, इस तरह से पेशेंट को बिठाएंगे टेबल पे जो है वो एल्बो को रेस्ट करवाते हैं, उसमें शोल्डर जो है आपका स्केपुलर प्लेन में, ठीक है, और हाथ में वेट पकड़वाया हुआ है और पेशेंट को बोलते हैं कि उसको ये ऊपर की तरफ लेके जाए और जो है इस तरह से आपके एक्सटर्नल रोटेटर्स की स्ट्रेंथनिंग हो रही है, ठीक है, जब पेशेंट ऊपर की तरफ लेके जाएगा, ये दिस इज रेजिस्टेड इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर, ठीक है, इसमें आपके ये जो फिगर नंबर 17.5 ठीक है, इसमें आपके इंटरनल रोटेटर्स की जो है स्ट्रेंथनिंग करवा रहे हैं, इंटरनल रोटेटर्स आपका कौन सा मसल है, सब स्कैपुलरिस, सब स्कैपुलरिस की स्ट्रेंथनिंग हो रही है, पेशेंट क्या है साइड लाइन पोजिशन में है, जो इन्वॉल्व या अफेक्टेड साइड होगी जिस तरफ का मसल वीक है जिस तरफ की स्ट्रेंथनिंग करवानी है वो नीचे की साइड होगा, ठीक है, नीचे की साइड होगा, पेशेंट ने हाथ में वेट पकड़ा हुआ है, आर्म बाय साइड है, नॉर्मली सिर्फ एल्बो जो है वो फ्लेक्स है 90 डिग्री, वेट पकड़ा हुआ है हाथ में, ठीक है, पेशेंट को बोलेंगे कि इसको मतलब टुवर्ड द ट्रंक टुवर्ड द एब्डोमेन लेके आने की कोशिश करें, पेशेंट साइड लाइन में हाथ को जो है टुवर्ड द एब्डोमेन टुवर्ड द ट्रंक या इन फ्रंट ऑफ द बॉडी लेके आने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जिससे आपके इंटरनल स्ट्रेंथनिंग होगी, ठीक है, ये तो सिंपली आप देख रहे हो कि इसमें एब्डक्टस की स्ट्रेंथनिंग होगी, फिगर नंबर 17.5 है, ठीक है, इसमें आपके अबडक्टर्स की स्ट्रेंथनिंग हो रही है, पेशेंट ने हाथ में वेट पकड़ा हुआ है, ठीक है, पेशेंट को बोलते हैं कि अबडक्शन में लेके जाए, सिंपली हाथ में वेट को पकड़ के अबडक्शन की मूवमेंट करें, इसमें आपके अबडक्टर्स जो है वो स्ट्रेंथनिंग हो रही होती है उसकी, ठीक है, अबडक्टर्स आपके कौन से हैं, डेल्टॉइड और सुप्रास्पाइनेटस,
ठीक है, तो डेल्टॉइड और सुप्रास्पाइनेटस की स्ट्रेंथनिंग करवानी है तो इस तरह से करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये पोजीशन फुल कैन पोजीशन भी कहलाती है, ठीक है, फुल कैन पोजीशन भी कहलाती है। जैसे आप देख रहे हैं ये पोजीशन को अगर आप गौर करो तो आपको याद है एम्प्टी कैन पोजीशन मैंने बताई थी, जिसमें जो है हम मतलब हाथ को अबडक्ट करके इंटरनली रोटेट कर रहे थे, एम्प्टी पोजीशन कहला रही थी उसके अपोजिट है, इसमें जो है वो इंटरनल रोटेशन नहीं है, अबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन है, ठीक है। और थंब जो है वो ऊपर की साइड है, ग्राउंड की तरफ या फ्लोर की तरफ नहीं है, तो ये फुल कैन पोजीशन कहलाती है, मिलिट्री प्रेस अप एक्सरसाइज कहलाती है, ठीक है। तीन मसल्स काम कर रहे हैं आपका जो है एंटीरियर डेल्टॉइड, रोटेटर कफ मसल्स और आपका सेरेटस इंटीरियर, ठीक है। ये सारे मसल्स जो है इसकी स्ट्रेंथनिंग हो रही है, सारे एक्टिवेट हो रहे हैं। पेशेंट सिटिंग पोजिशन में होगा, ठीक है, और पेशेंट को हाथ में जो है वेट पकड़वाते हैं, एल्बो फ्लेक्स्ड होता है और पेशेंट को बोलते हैं कि वो हाथ को ऑफ द मतलब अपनी जो है हेड के ऊपर लेके जाए। आर्म इज एट साइड इन द न्यूट्रल पोजिशन, स्लाइट एक्सटर्नल रोटेशन है, ठीक है। जिस पोजीशन में इसने यहाँ पे वेट पकड़ा हुआ है इनिशियल पोजीशन में आप देखें तो हाथ जो है वो एक्सटर्नली रोटेटेड है शोल्डर, विथ एल्बो फ्लेक्स्ड एंड फोरआर्म इन द मिड पोजीशन, थंब पॉइंटेड पोस्टीरियर, थंब जो है पोस्टीरियर तरफ है, वेट इज लिफ्टेड ओवरहेड, पेशेंट को बोलते हैं कि वेट को ओवरहेड लिफ्ट करें। तो इसमें आपके एंटीरियर डेल्टॉइड, रोटेटर कफ और सेरेटस इंटीरियर जो है उसकी स्ट्रेंथनिंग हो रही है, मिलिट्री प्रेस अप एक्सरसाइज। ये डायगोनल जो तीन एक्सरसाइजेस कंटिन्यूस मतलब कंबाइन हो रही थी, कौन कौन सी आपकी फ्लेक्जन, अबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन, ये तीनों एक्सरसाइजेस कंबाइन हो रही थी और इसमें कौन सा मसल एक्टिवेट हो रहा था आपका सेरेटस इंटीरियर, सेरेटस इंटीरियर तो हो रहा है लेकिन साथ साथ आप देखें कि एक तो फ्लेक्जन और अबडक्शन हो रही, एक्सटर्नल रोटेशन हो रही, तो वो वाले मसल्स भी एक्टिवेट होंगे। बेसिकली तो इसमें सेरेटस इंटीरियर हो रहा है लेकिन साथ साथ आपका डेल्टॉइड के एंटीरियर और मिडिल फाइबर्स भी हो रहे होते हैं, आपका जो है वो इंफ्रास्पाइनेटस और टीडीज माइनस ये मसल्स भी जो है वो साथ साथ एक्टिवेट हो रहे हैं डायगोनल पोजीशन। शोल्डर एडक्शन जो है आपकी कौन करवाता है, शोल्डर एडक्शन आपकी एक तो पेक्टोरिस मेजर, टीडीज मेजर और लैटिमस डॉर्सल है, ये तीनों मसल करवाते हैं, ठीक है। अच्छा शोल्डर एडक्शन मैंने कहा आपका पेक्टोरिस मेजर, आपका टीडीज मेजर और लैटिमस डॉर्सल, ये तीन मसल करवाती है। सिंपली उसकी एडक्टर्स की स्टैंडिंग इस तरह से करवानी है कि इनिशियल पोजीशन क्या होगी, अबडक्शन, हाथ में वेट भी पकड़ा जा सकते हो या फिर पुली वगैरह जो होती है ना, एक नीचे आपने दो टाइप्स की पुली देखी होगी जिम में अगर आपको याद है, ठीक है। एक तो सिंपल है जो कि एक रोप लगा हुआ है उसमें लीवर में, ठीक है, दूसरी एक मशीन नीचे पड़ी है याद है आपको, जिसमें वेट भी है, ठीक है, पुली के साथ नीचे वेट लगे हुए, तो वो वाली हम यूज करते हैं पुली फॉर द स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, ठीक है। उसमें क्या करोगे आप कि एक साइड जो है वो उसका पुली का पकड़ लिया, ठीक है, देन जो है आप उसको एडक्शन में लेके आते, ठीक है, इस तरह से आप एडक्टर्स की स्ट्रेंथनिंग करवाते हो, या तो हाथ में वेट पकड़ लो या तो पुली यूज कर लो और पुली के उस मशीन में पुली के साथ रेजिस्टेंस लगा होता है तो आप उसको सिलेक्ट करते हो कि आपको 1 kg उठाना है, 2 kg उठाना है, 3 kg उठाना है, तो जितना भी उठाना होता है पेशेंट्स को तो वहाँ पे हम उसको जो है फिक्स कर देते हैं, ठीक है। जब हम लोग आएंगे मतलब डिपार्टमेंट आप लोगों को दिखा दूंगी किस तरह से वो मशीन यूज होती है, तो उससे आपके एडक्टर्स की स्ट्रेंथनिंग हो जाती है। दूसरी आपके शोल्डर के हॉरिजेंटल एडक्टर्स, उसकी स्ट्रेंथनिंग किस तरह से, हॉरिजेंटल एडक्शन में करवा कौन कौन रहा है आपका एंटीरियर डेल्टॉइड, कोरेकोब्रेकियलिस और पेक्टोरिस मेजर, तीन मसल करवानी, एंटीरियर डेल्टॉइड, कोरेकोब्रेकियलिस और आपका पेक्टोरिस मेजर, तीन मसल करवानी, ठीक है। इसमें क्या करता है कि पेशेंट को ये आप सुपाइन पोजीशन में भी करवा सकते हो और स्टैंडिंग में भी करवा सकते हो, ठीक है। सुपाइन पोजीशन में क्या होगा कि जब सुपाइन पोजीशन में पेशेंट होगा तो वहां पे ग्रेविटी का फोर्स भी होगा, तो ज्यादातर इसीलिए कोशिश करते हैं सुपाइन पोजीशन में करवाएं, उसमें फिर आप जो वेट यूज करते हो वो भी एज ए रेजिस्टेंस यूज होता है और जो आप और ग्रेविटी का फोर्स भी एज ए रेजिस्टेंस होता है। पेशेंट सुपाइन लाइन में होगा, इनिशियल पोजीशन
हॉरिजॉन्टल अबडक्शन होगी। तो पाइन पोजीशन में हॉरिजॉन्टल अबडक्शन, ठीक है, दोनों हाथ जो है हॉरिजॉन्टल अबडक्शन होंगे और पेशेंट को कहते हैं कि उसको इस तरह से लेके आए। जब सपाइन पोजीशन में होगा तो जाहिर सी बात है हाथ ही बिल्कुल वर्टिकल जाएंगे जब हॉरिजॉन्टल एडक्शन में आ रहा होगा, ठीक है। अब वो पोजीशन एक मेरे पास पिक्चर नहीं है, मैं आपको दिखा देती, ठीक है। तो इस तरह से हाथ पे वेट पकड़वा के सुपाइन लाइन में हॉरिजॉन्टल अबडक्शन से स्टार्ट करते हैं और हॉरिजॉन्टल एडक्शन में लेके आते हैं। ये करवा सकते हो शोल्डर एक्सटेंसर्स की स्ट्रेंथनिंग जो है किस तरह से करवा सकते हो, एक तो पुली के साथ करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पुली जो है वो यहाँ पे सामने पुली है, यहाँ से मैंने होल्ड किया है और पुली पे वेट लगा हुआ है और मैं इसको पीछे की तरफ लेके जा रही हूँ, तो ये एक्सटेंसर्स की स्ट्रेंथनिंग होगी बाय द पुली, ठीक है। इस तरह से वेट वगैरह भी जो नीचे आपने देखे होंगे ना कि डिफरेंट ब्लू कलर के वेट्स हैं, तो वो रिस्ट पे बांध के उसके थ्रू भी एक्सटेंसर्स की स्ट्रेंथनिंग करवा देते हैं, ठीक है। एक्सटेंशन करवा मसल्स कौन कौन से करवाते हैं, आपके पोस्टीरियर डेल्टॉइड, लैटमस डॉर्साई और रोम्बॉइड्स, ठीक है, ये आपके एक्सटर्नल रोटेशन करवा रहे थे तो उसकी भी स्ट्रेंथनिंग आप करवा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है आपके एल्बो फ्लेक्सर्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए आप बाइसेप कर्ल करवाते हो, ठीक है, क्योंकि जो आपने हाथ में वेट पकड़वाया और बाइसेप कर्ल करवाया, तो इससे आपके बाइसेप ब्रैकियलिस मसल जो कि आपके एल्बो की फ्लेक्शन करवाता है उसकी स्ट्रेंथनिंग हो रही होती है, ठीक है। और बाइसेप आपको पता है कि टू जॉइंट मसल है, तो अगर वो स्ट्रॉन्ग होगा तो शोल्डर का फंक्शन भी ईजी होगा, ठीक है। तो अगर आप बाइसेप की स्ट्रेंथनिंग भी करवा सकते हो अगर शोल्डर के मसल्स वीक हो, ठीक है। चलेंगे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, यहाँ पे आपका शोल्डर चैप्टर ही खत्म होता है, तो शोल्डर हमने बहुत डिटेल में कर लिया। नेक्स्ट जो है क्लास में हम एल्बो जॉइंट स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।